स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 54 में। इसमें हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में पिछले सालों में पूछे गए हैं और आने वाली लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे रेलवे हो, बैंक हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला से हम शुरू करते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए जिस प्रकार इसको ये लिखा गया है तो ठीक उसी प्रकार से इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए यदि हम इसको देखें तो ये देखिए बी का उल्टा है, क्या है, बी का उल्टा होता है वाई, ई का उल्टा होता है वी, एच का उल्टा होता है एस और के का उल्टा होता है पी, तो डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, जी का उल्टा हो जाएगा जी टी, जी टी वी यानी टी, और जे का होता है क्यू और M का उल्टा होता है N। देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा में दिख रहा है यानी C में है, तो C ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल था। दूसरा देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए जैसे कि 392 लिखा है और 28 है, तो इससे इसको कैसे लाया है, तो इसका हम यदि इसमें भाग दे दें, देखिए 392 में यदि हम 28 का भाग दें, दो से दें, सात से काट देंगे, सात चौके हो जाएगा 28, सात पन्ना हो जाएगा 35, चार बचेगा तो 46, सात छी 42 हो जाएगा, फिर चार से इसको काटेंगे तो चार एकम चार, एक बचेगा 16, चार चौके 16, मतलब इसको काटने पर कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है, तो ठीक इसका आधा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 28 का आधा मिल रहा है, तो ठीक इसको भी हम इसी से देखेंगे, तो ऑप्शन से रख के देखें यदि हम, तो देखिए 18 से काट के देखें कितना मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए, तो इसको 18 नंबर होता है 162, जबकि ये बहुत ज़्यादा है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखें यदि हम 722 में 28 से काटने पर कितना आना चाहिए, 14, तो इसको हम 7 से काट देंगे, 7 चौके 28 हो जाएगा, लेकिन ऊपर का 7 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा अलग हो जाएगा। अब बचेगा कौन सा, तीसरा ऑप्शन, तो 722 में यदि हम 38 से काटेंगे, देखिए 2 से काट देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, एक बचेगा 12, 2 6 12, 2 1 हम 2, 2 1 हम 2, 2 9 18, और इसको 19 से काटेंगे तो ये 19 का स्क्वायर होता है, इसलिए 19 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 19 एकम 19 हो जाएगा, 17 बचेगी तो 171, 19 नम्मा 171 हो जाएगा, तो देखिए 38 का आधा मिल रहा है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन हम इसको भी देखेंगे यदि, तो इसको देखें यदि 48 से 2 से काटेंगे तो आएगा 261 और ये आ जाएगा 24, फिर इसमें देखिए ये कटेगा नहीं, ये 19 से कटेगा लेकिन नीचे है 24, तो इसका यह नहीं होगा, इस प्रकार से ऑप्शन सी ही होगा राइट। तीसरा देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए उल्लास का विषाद से संबंध है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, दोनों आने चाहिए, तो यदि हम इसको देखें, देखिए जिस प्रकार से जो उल्लास है उसका क्या है, ये विषाद का विपरीतार्थक है ये, तो हम इसमें देखें बधाई यहाँ का शुभ अवसर होगा, इसका विपरीत नहीं होता है ये, परिश्रमी सफलता ये भी नहीं होगा, माप और तुला ये भी नहीं होगा, अपमान का प्रतिष्ठा ये एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथा देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। इसमें से हमें विषम संख्या को चुनना है। देखिए 125 है, यदि हम इसको देखें 125, तो ये 5 का क्यू है, बाकी और इसमें कोई अलग से ट्रिक नहीं दिख रही है, तो इसलिए हम इसी को अलग कर देंगे, 125 अलग हो जाएगा क्योंकि यह 5 का क्यू है, बाकी किसी का वर्ग भी नहीं है, तो इस प्रकार से तीनों विकल्प अलग हो जाएंगे, पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, तो देखिए इसको एक आप शब्दों के पहले कौन आएगा उसको हमें देखना है। देखिए सबसे पहले आ जाएगा क्या, अध्याय के बाद आता है अनुच्छेद, उसी के अंतर्गत, अनुच्छेद के अंत बाद में आएगा वाक्य, और वाक्य के बाद में आ जाएगा वाक्यांश, और वाक्यांश के सबसे लास्ट में आ जाएगा शब्द, यानी कि यहाँ से देखें यदि हम इसको, देखिए पहले शब्द है, इसके बाद में वाक्यांश है, वाक्यांश के बाद में है वाक्य, वाक्य के बाद में है अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद में है अध्याय, तो इस प्रकार से देख लेंगे 35, 142 ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छठवा देखिए, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसमें हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, तो यदि हम इसका डिफरेंस निकालें,
तो इसमें कितना प्लस है, प्लस 4 है, और इसमें देखें तो इसमें प्लस 6 है, इसमें देखेंगे तो 12 में 8 जोड़ दें तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस दिख रहा है, फिर 10 का है। देखिए 4 6 8 10, तो यहाँ पर कितने का होगा, 12 का। 12 यदि हम इसमें करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 42। अब 42 और इसमें होना चाहिए 14 का, तो 42 में यदि हम 14 जोड़ दें, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56 आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 42 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, एक छोटे विस्तार क्षेत्र में 80 परिवार रहते हैं, इनमें से 20% परिवारों में प्रत्येक के पास में कार है, तथा शेष में से 50% परिवारों के प्रत्येक परिवार के पास में मोटरसाइकिल है। देखिए सबसे पहले तो हम 80 का 20% निकाल देंगे, तो 80 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 16, मतलब 16 व्यक्ति के पास में क्या है, कार है। इसके बाद में शेष का 50%, अब शेष का देखिए 80 में से 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 64, 80 में से 16 घटाने पर मिल जाएगा 64, और 64 का 50% के पास में है मोटरसाइकिल, तो इसका हम 50% निकाल दें, 0 से 0 काटें, 5 से ये, 5 दूनी 10, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 32, मतलब कितना, 32 के पास में है मोटरसाइकिल। तो उस विस्तार क्षेत्र में कितने परिवारों के पास कोई वाहन नहीं है, तो इसमें इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, 6 और 2 8 और ये 4, कितना हो जाएगा, 48, मतलब 48 के पास में कार और मोटरसाइकिल हैं, तो कितने के पास नहीं है, तो 80 में से हम 48 माइनस कर देंगे, तो ये 0 में से 2 जाएगा, 8 जाएगा तो 2 बचेगा, ये हो जाएगा 7 3 32, मतलब 32 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में कोई भी वाहन नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यदि हम ट्रायंगल को देखें, देखिए ट्रायंगल में जी जी है, सभी है, ये बन जाएगा। देखिए दूसरा देखें, यदि हम गार लैंड है तो जी ए आर है इसमें, और एल ए एन डी भी है। रोस्टिंग को देखें, आर ओ ए एस, तो ये भी बन जाएगा, लेकिन जो आखिरी वाला है ट्रू आमा, तो ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें क्या है, एम है, और ऊपर के शब्द में एम नहीं है, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन अलग हो जाएगा। यदि किसी गूढ़ भाषा में लॉस को ए लिखा जाता है, गेन को ए लिखा जाता है, तो उसी गूढ़ भाषा में 84,615 किस शब्द से करेगा। देखिए यदि हम 8 की देखें, 8 को क्या लिखा है, यहाँ पर लास्ट में है, तो इसको हम एन लिख देंगे। कोडिंग डिकोडिंग का है, 4 है, 4 पे है ए, तो ए लिख देंगे। 6 है तो 6 को बोला गया है क्या, आई, तो आई लिख देंगे। इसके बाद 1 है तो 1 को देखिए एल बोला है, तो एल लिख देंगे। और 5 है, 5 को देखिए लास्ट से एस बोला है, तो एस लिखेंगे। अब देख लेंगे किस में है, तो एन ए एल पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन है जो वो राइट हो जाएगा। जैसे देखिए, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा, पहले वह कहाँ पर जा रहा है, पश्चिम में, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेंगे, यहाँ से पश्चिम की ओर गया है। देखिए ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, फिर वह दाएं मुड़ा, तो इसका दायां होगा कहाँ, उत्तर साइड में दाएं मुड़ेगा, और अंत में वह बाएं मुड़ता है, इसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, तो इसका बायां होगा इस साइड में पश्चिम में। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है, देखिए इसमें हम एक बार फिर से देखेंगे, इसमें ये लास्ट में गलत हो गया। देखिए एक व्यक्ति पश्चिम में जा रहा है, तो पश्चिम में गया, फिर वह दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ा, यहाँ पर दो बार दाएं है, तो इसका अब दायां होगा इस साइड में, और यहाँ से अंत में वह बाएं मुड़ेगा, तो इसका बायां होगा उत्तर साइड में, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो उत्तर में जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए है जो राइट हो जाएगा। 11 देखिए, नीचे दो कथनों के बाद चार वैकल्पिक निष्कर्ष दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष चुनिए। उस दुकान में बेचे जाने वाले सभी रेडियो उच्च स्तर के हैं, उस दुकान में कुछ मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं। देखिए निष्कर्ष क्या है, उच्च स्तर के सभी रेडियो मर्फी कंपनी के द्वारा ही बेचे जाते हैं, तो ये तो उसमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि मर्फी कंपनी के द्वारा ही बेचे जा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ मर्फी रेडियो उच्च स्तर के होते हैं, देखिए ये हो जाएगा, सभी मर्फी रेडियो उच्च स्तर के हैं, तो ये सही हो जाएगा। कोई भी मर्फी रेडियो उच्च स्तर का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ उच्च स्तर के मर्फी रेडियो उस दुकान में बेचे जा रहे हैं, हाँ तो ये हो जाएगा। देखिए उस दुकान में कुछ मर्फी रेडियो बेचे जा रहे हैं, इसका मतलब कौन सा, दूसरा और चौथा निष्कर्ष है, तो दूसरा और चौथा बी में है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
बार बार देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि हम इनमें से देखें, या तो ऐसे में होता है या फिर क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर लगता है। तो यदि हम इसको देखें, देखिए इसका देखें, यदि हम 7 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 49, 4 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 16, और 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4। इन सभी को जोड़ेंगे यदि हम, तो ये 15, 15 और 4 19 आंसर में आ जाएगी 1, 5 और 1 6 69 आ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से यदि हम इसको देखें, देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, और ये 1 का 1 ही रहेगा तो 81, और ये 10 हो जाएगा तो 91। इसको भी जोड़ेंगे तो देखिए 9 और 1 10, 10 और 81 91 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका निकाल लेंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 6 का हो जाएगा 36 और 5 का हो जाएगा 25। देखिए ये हो जाएगा 40, 40 में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी ऑप्शन है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी ई, 5 लड़के एक पार्क में व्रत, लड़के बैठे हैं एक व्रत में बैठे हैं। ए का मुंह है जो दक्षिण पश्चिम में है। देखिए सबसे पहले हम व्रत बनाएंगे, इसमें देखिए ये होता है पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये होता है दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, और ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो देखिए अब हम इसको पढ़ेंगे। ए का मुंह है जो दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर है। कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर है। ए का जो मुंह है दक्षिण पश्चिम ये है, तो इसका मतलब इसका मुख इस दिशा में है। तो वो कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा, तभी तो उसका मुख इस साइड में होगा। तो ए को हम यहाँ पर बैठा देंगे। फिर कौन है? डी का मुख है दक्षिण पूर्व में है, तो डी का मुख है जो दक्षिण पूर्व में मतलब इस साइड में है, तो ए डी यहाँ पर बैठ जाएगा। बी, बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने हैं। एक और बी, बी के सामने कौन है? ए है, तो बी के सामने है ए, इसका मतलब बी हो जाएगा यहाँ पर, और ई के सामने है डी, तो ये हो जाएगा डी इसके सामने। अब बचा कौन है? सी, सी को देख लेंगे। सी डी और बी के बीच में है, तो सी डी और बी के बीच में यहाँ पर बैठ जाएगा। तो सी का मुख किस दिशा में है? तो सी का मुख हो जाएगा कहाँ पर? इस साइड में है, तो अंदर की साइड है, तो ये हो जाएगा पूरब में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चौथा देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाई ओर से 90 पर है। तो देखिए कमला है जो ये यहाँ से बाई है 90 पर, और बीना है ये, बीना दाई ओर से 16 पर है। तो देखिए यहाँ से 16 पर है। यदि वे अपना स्थान अदला बदली कर लें तो कमला का बाई ओर से स्थान हो जाता है 25वां। कितना हो जाता है? यहाँ से इसका स्थान हो जाता है 25वां। तो बताइए बीना का, अच्छा पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो देखिए जब भी यदि ये देखिए 25 पर यहाँ तक आने में इसको ने कितना चला है, तो यह 16 और चल दिया है। कितना चला है? 16। तो 16 ही इसको चला देंगे, तो 16 इसको चलाएंगे तो ये हो जाएगा 32। तो इसमें हम देख लेंगे, देखिए इसको जोड़ेंगे यदि हम, तो कितना हो जाएगा ये 41, एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 40, और इससे यदि हम करते हैं तो इससे भी 41 आएगा, और एक माइनस करेंगे तो 40। मतलब उस पंक्ति में कुल 40 हैं। अब ये 40 कैसे निकलते हैं? देखिए टोटल निकालने के लिए राइट प्लस लेफ्ट माइनस एक कर देते हैं, तो ये कमला का हो जाएगा बाएं से और ये हो जाएगा दाएं से। तो इस प्रकार से 40 उस पंक्ति में कुल लड़कियाँ हो जाएंगी। 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सूर्य चंद्रमा और तारों के बीच में संबंध दर्शाता है? तो देखिए सूर्य चंद्रमा और तारों के बीच में, तो देखिए सूर्य है जो, सूर्य क्या है? तारा है। कुछ सूर्य हैं जो वो तारा, देखिए चंद्रमा और तारा, देखिए यदि हम देखें तो देखिए ये जो सूर्य है, सूर्य के अंतर्गत ही आता है तारा, क्योंकि सूर्य हमने पढ़ा है सूर्य क्या होता है? एक तारा होता है। तो जो सूर्य है वो किसके अंदर आ जाएगा? तारे के। लेकिन जो चंद्रमा है वो अलग रहेगा। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16। एक शहर में सड़क दुर्घटना की संख्या माह प्रति बढ़ रही है, जैसा कि नीचे
दिखाया गया है जून के महीने में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जून के महीने में दुर्घटनाओं की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए क्या करें, यदि हम इनमें डिफरेंस निकालें तो इसमें देखिए इसमें +4 का है और इसमें कितने का है, 8 का है। इसमें यदि हम देखें तो इसमें +12 का है और इसमें देखें यदि हम तो इसमें कितने का है, 44 में से 28 घटाएंगे तो आएगा 16 का। यदि हम देखें, देखिए चार, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का है और इसमें भी 4 का है, तो नेक्स्ट में कितने का होगा, 4 का। 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, इसका मतलब है कि 44 में 20 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 64, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 देखिए, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब बनेगा। देखिए सही प्रतिबिंब बनाने के लिए इसको हम इस साइड में ले जाते हैं, तो ऐसा कहीं ऐसा यदि हम ले जाएं तो ये तो नहीं बनेगा, बी बन जाएगा। देखिए बी बन जाएगा, देखिए इसको यदि हम इस साइड में करेंगे तो ये वाला जो है ये पार्ट इस साइड आ जाएगा, ये वाला पार्ट है ये वाला, और ये वाला हो जाएगा इस साइड, तो ये घूम जाएगा। इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 देखिए, यदि माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है गुणा, डिवाइड का अर्थ है घटाना और गुणा का अर्थ है जोड़, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यदि हम इसका मान निकालें, देखिए प्लस है, प्लस को बोला है गुणा, तो 19 का 5 में गुणा कर देंगे। माइनस है तो माइनस को बोला है भाग, तो भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, देखिए 4 से किसी भी प्रकार से नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखें यदि हम, तो इसमें है गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ना है, तो देखिए दूसरे को देखें यदि हम, तो 19 प्लस में 5 हो जाएगा। माइनस का अर्थ है भाग, तो भाग देंगे यदि हम 4 में, 4 का 5 में देंगे तो ये भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इस प्रकार से यह भी अलग हो जाएगा। और यदि हम सी देखें, देखिए 19 है, डिवाइड है, डिवाइड को क्या बोला गया, घटाना, तो घटाना लगाएंगे। प्लस है, प्लस को बोला है गुणा, तो ये गुणा का निशान लगाएंगे। इसके बाद माइनस है, तो माइनस को बोला है भाग, तो भाग का निशान लगाएंगे। इसके बाद में गुणा है, तो गुणा को बोला है प्लस, तो इसको हम प्लस कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 में से इसको घटाएंगे, देखिए ये हो जाएगा 19 माइनस 10 और ये +4, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 9 प्लस 4, 9 और 4 13, जो कि इस साइड भी 13 दिया हुआ है, तो यह है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसको भी देखें, डी को देखेंगे यदि हम, तो देखिए 19 है, 19 के बाद में क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड को बोला है माइनस, तो माइनस कर देंगे। इसके बाद में क्या है, प्लस है, तो प्लस को बोला है गुणा, तो इसको हम गुणा का निशान लगाएंगे। इसके बाद में प्लस है, तो इसको फिर से गुणा बोला है, तो इसको हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 इसमें से 9 घटाएंगे तो बचेगा 21, और अब ये माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है घटाना, तो इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे, 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 17, जबकि यहाँ पर है 20, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन है जो वो राइट हो जाएगा। दी गई आकृतियाँ वृत्त लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, तथा वर्ग है ग्रामीण प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन सा भाग ग्रामीण खिलाड़ी और लड़के का प्रतिनिधित्व करेगा, ग्रामीण खिलाड़ी और लड़कों का, तो देखिए सभी में होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि देखिए ग्रामीण वृत्त किसके लिए है, ग्रामीण के लिए है, और त्रिभुज है, जो त्रिभुज है खिलाड़ी के लिए, तो इसने बोला क्या है कि ग्रामीण खिलाड़ी लड़के भी लड़के के लिए है क्या, वृत्त है, तो इस प्रकार से आयत भी होगा, त्रिभुज भी होगा, सभी होगा और वर्ग भी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये सभी तीनों में कौन है, डी है, तो डी ऑप्शन है सी में, सी राइट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, तो देखिए इसमें सेम टू सेम यही होनी चाहिए, तो ये पहला में तो नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, लेकिन तीसरा में यदि हम देखें तो देखिए ये वाली ये हो जाएगी इस प्रकार से, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी में नहीं होगी। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।